नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम श्रावण मास की तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। संत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतकृतज्ञ हो जाऊं। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त व्रत भोजन में सूर्य अस्त से पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्य अस्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल ना करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपनी देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचार्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। जो बुद्धिमान मास आरंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करे। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल पत्रों से, शांति की कामना वाला भी द्रुबाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मलिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। उस वपन नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सन्मुख रंग बलि, पदम, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करें। प्रकार संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उदापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्यावाचन कर आचरण वरण करें। मंडप में प्रवेश कर
रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंचवल्लभ तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावे। तिल घृत पायस से मूल मंत्र गायत्री मंत्र शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। चक्राघृत युक्त चरु से हवन करें। फिर स्विष्टकृत हवन कर पूर्णाहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करें। यदि एक महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बाती चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावें। हे मुने, जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाला होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। इस प्रकार श्रावण मास के तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। जय शिव शंकर।